विश्वासी बहनों भाइयों, अंग्रेजों के शासन काल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इंडिपेंडेंस इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हालांकि बाल गंगाधर तिलक यहां के मूल निवासी नहीं थे, वे अंग्रेजों के समान विदेशी थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। स्वराज का अधिकार तो केवल हम मूल निवासियों का था, लेकिन साजिश के तहत हमसे जल जंगल जमीन पहाड़ सब कुछ छीन लिया गया। मात्र केवल आरक्षण ही हमारे जीवन का सहारा था। अब उसे भी सुप्रीम कोर्ट उपवर्गीकरण यानी क्रीमी लेयर के आड़ में हम लोगों से छीन रहा है। सरकार और न्यायालय से इतनी बेरहमी की उम्मीद हमें नहीं थी, इसीलिए मैं कहती हूँ, आए हमारे बहुजन समाज के वीरों, जागो, भागो मत, डट के मुकाबला करो। इतनी आसानी से हम बाबा साहब अंबेडकर के अथक प्रयासों से मिला हुआ आरक्षण को बर्बाद होने नहीं देंगे। ये आरक्षण हम गरीबों के लिए क्या है, मैं गीत के माध्यम से आप लोगों से बताना चाहूंगी। क्या प्राण से भी आरक्षण प्यारा है, क्यों ये प्राणों से प्यारा आरक्षण है। क्रीमी लेयर की आड़ में खत्म करना चाहता है। क्रीमी लेयर के कारण सरकारी सर्विस वाले लोगों के बच्चों को अब किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। कोटा में कोटा, कितनी बारीकी से इस आरक्षण को छीना जा रहा है। लेकिन ये आरक्षण हमें मिला कैसे है, सुनिए। लंदन में साहेब लड़े जा लड़ाई, संघर्ष किया है तो कम्युनल वार्ड दिए गोरे बनाई, लंदन में साहेब लड़े जा लड़ाई, कम्युनल वार्ड दिए गोरे बनाई। तो
32 के गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1932 को दलितों के लिए कम्युनल वार्ड की घोषणा कर दी है, जिसके कारण हमें पृथक मतदान जैसी तमाम सुविधाएं प्राप्त हो गई, जिसका मतलब हम एक वोट हिंदुओं के साथ तथा दूसरा अपने लिए आरक्षित सीट पर देने के हकदार हो गए। हिंदुओं से अलग हमारी व्यवस्था कायम हो गई। तब गांधी को लगा कि इस प्राविधान से तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, अतः वे यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिए। जब गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिए, तब मनुवादी लोगों ने बाबा साहेब को धमका कर कहा कि सुनो अम्बेडकर, कान खोलकर सुन लो, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। गांधी को गर्जो गवाना पड़ेगा, कुछ हो गया तो हम लोग करेंगे क्या। तुमको भी दुनिया से जाना पड़ेगा, आपको भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा, आपको भी हम लोग इस दुनिया से भेज देंगे। इतना ही नहीं, और हम लोग क्या करेंगे, गांधी को गर्जो गवाना पड़ेगा, तुमको भी दुनिया से जाना पड़ेगा, और हम लोग क्या करेंगे, अरे दलितों को भारत में जीने ना देंगे, अरे दलितों को भारत में जीने ना देंगे, जिनको सदा हमने मारा है, प्राण से भी आरक्षण प्यारा है। लेकिन जिन दलितों के लिए आपने इतना संघर्ष किया है, उन दलितों को तो हम लोग पीस कर पी जाएंगे। अब बाबा साहेब को ये डर सताने लगा कि यदि गांधी को कुछ हो गया तो ये मनुवादी दलितों को जीने नहीं देंगे। अतः मन महसूस कर बाबा साहेब गांधी जी के साथ समझौता कर लिए, जिसे पूना पैक के नाम से जाना जाता है। हम अपना डबल वोटिंग पावर खोकर संसद विधानसभाओं तथा नौकरियों में आरक्षण पाए, जिसे आज छीना जा रहा है। और सुनिए, दलितों का हिस्सा न उनसे सहता, गरम लगा के या रक्षण छीनाता, दलितों का हिस्सा न उनसे सहाता, तिगड़म लगा के या रक्षण छीनाता, और बहुजन की सेना लड़ेगी सड़क पे, और बहुजन की सेना लड़ेगी सड़क पे, संघर्ष अब तो सहारा है, प्राण से भी
सहारा है। हमारे बहुजन के नौजवान अब रुकने वाले नहीं है। इस आरक्षण को बचाने के लिए हम बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पे उतरना होगा। इसलिए उतरना पड़ेगा जिन लोगों के ऊपर हम लोग भरोसा किए, संविधान बचाने के लिए हम लोग भरोसा किए, वो लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं। इसलिए उस आरक्षण को बचाने के लिए अब हम लोगों को सड़कों का रास्ता चुनना होगा। अब मैं माननीय जज साहब लोगों से कहना चाहती हूँ, पता नहीं है जज साहब लोग हमारी गीत सुनेंगे कि नहीं, लेकिन अगर किसी माध्यम से जज साहब लोग भी हमारी गीतों को सुन ले तो उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या है? क्रीमी लेयर पहले कोर्ट में लगाएं, ये जो क्रीमी लेयर का व्यवस्था हम गरीबों के आरक्षण पे आप लोग आजमा रहे हैं, ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से इसको शुरू किया जाए। और क्या चाहिए? पिछड़े दलित को वहां पे बिठाएं, पिछड़े दलितों को वहां पहुंचाने का मौका दीजिए। क्यों वहां खानदानी सिस्टम चला रहे हैं? और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी भी दलितों आदिवासियों का हितैषी बनते हैं। यदि उनमें भी हिम्मत है तो एक काम करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? हिम्मत जो हो तो अध्यादेश लाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी केवल जुबान से वादा करने से काम चलने वाला नहीं है, सुप्रीम का फरमान डट के मिटाएं। हिम्मत जो हो तो अध्यादेश लाएं, सुप्रीम का फरमान डट के मिटाएं। अगर ऐसा नहीं आप करेंगे तो होगा क्या? प्रधानमंत्री जी समय रहते चेत जाइए, नहीं तो संतोष धद के ना नफरत की आगी, ऑर्डर मिटाओ ये कहती है त्यागी।
की आगी ऑर्डर मिटाओ ये कहती है त्यागी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।